अगर इतने कर्मचारी हैं कि अगर एक एक अगर जो टुकड़ा अगर बीने तो ये साफ सफाई दिख जाए। भारत माता मंदिर के ठीक सामने वार्ड नंबर 1 नगर निगम क्षेत्र हरिद्वार गौ वंश यहीं पे पनिया खाता हुआ देखा जा रहा है। अच्छा, जो पिछले 5 साल के वादे थे जो किए होंगे यहाँ के प्रतिनिधि ने पार्षद ने, तो देख रहे हो कि पूरे हुए या कुछ रह गए वादे? कुछ वादे रह गए कुछ है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 5 साल में जो भी वादे हुए हैं पूरे हुए हैं। पार्षद में विधि शर्मा जी हैं, विधि शर्मा जी कर रहे हैं सारा काम हमारे लोग के देख देख में जो भी कर रहे हैं विधि शर्मा कर रहे हैं। अमृत योजना के अंतर्गत स्वीकृत तो ये झाड़ी भी 3 फीट से ऊपर जारी है और वहाँ बात कर लें तो पूरे में जो झाड़ियाँ हैं ऐसा देख के लग रहा है कि कोई खास संज्ञान या कोई खास ध्यान नहीं। और यहाँ पे सांप का भी खतरा रहता है, वहीं के सामने से हमारे जस्ट सामने से सीढ़ियों का पहला कदम रखते ही एक सांप निकला था। पेपर में आया कि भाई उन्होंने कह दिया कि हर घर में टॉयलेट खत्म हो गया। मुझे दिखाओ, मुझे बुलाओ डीएम साहब को, मैं दिखाता हूँ कि करोड़ों लोग लाखों लोग यहाँ जो सड़क पर सो रहे हैं इनके लिए टॉयलेट आई कहाँ? ये 10 रुपये रोज दे के नहीं जा सकते भाई, ये तो यात्रियों के लिए है। हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ शांति मिलेगी, गंगा मैया नहाएंगे, तीर्थ स्थानों में मतलब जो है दर्शन करेंगे। आज ये देखिए कि यहाँ पर जो मुँह ढक कर लोग जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल नेटवर्क। बहुत हुई नेता के मन की बात, अब हम करेंगे जनता के दिल की बात। अभी हम खड़े हैं गंगा मैया की नगरी हरिद्वार में वार्ड नंबर 1 में। ये वार्ड अपने आप में इसलिए खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भारत माता मंदिर भी है, सप्तऋषि आश्रम है और जो विश्व प्रसिद्ध शांति कुंज है उसका भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। अभी हम वार्ड नंबर 1 रुड़की हरिद्वार ऋषिकेश जितने भी वार्ड हैं सबको क्रम से दिखाएंगे। बने रहिए द न्यूज़ वॉल नेटवर्क के साथ। वार्ड नंबर 1 में अभी हम हैं, पूरा दिखाते हैं आपको क्या कहती है जनता, पिछले जो 5 साल के वादे हैं कितने वादे पूरे हुए नहीं हुए, संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं, ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, धरातल की समस्याएं दिखाएंगे और बताएंगे कि राजनीतिक समीकरण क्या कहती है, मेयर का चेहरा कौन होगा, पार्षद का चेहरा कौन होगा। बने रहिए हमारे साथ। अभी ये वार्ड नंबर 1 है अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं और बात करेंगे यहाँ पे जनता से, जानेंगे जनता के दिल की बात। बनी रहिए द न्यूज़ वॉल नेटवर्क के साथ, आइए। भैया नमस्कार, अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, हम ग्राउंड लेवल पे सर्वे कर रहे हैं कि क्या सफाई व्यवस्था है, क्या लाइट व्यवस्था है। तो आप अभी वार्ड नंबर 1 में खड़े हैं, यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं बहुत सारे, क्या कहना चाहोगे, क्या व्यवस्थाएं हैं नगर निगम की यहाँ पे, सफाई की, लाइट की, पानी की? सफाई भी है पानी भी है दोनों, सफाई भी है पानी भी है, लाइट भी है, लाइट भी टाइम टाइम से आ रहा है, टाइम टाइम सारा बीच बीच में चले भी जाता है जी, कटती रहती है लाइट, लाइट कटती रहती है, आती जाती रहती है, जब कभी खराबी होगा तो कटे फटेगा तो हो ही जाएगा, मगर लाइट टाइम से रह रहा है, पानी भी टाइम से आ रहा है। अच्छा, जो पिछले 5 साल के वादे थे जो किए होंगे यहाँ के प्रतिनिधि ने पार्षद ने, तो देख रहे हो कि पूरे हुए या कुछ रह गए वादे? कुछ वादे रह गए कुछ है। क्या क्या वादे पूरे हो गए? आए हैं ऐसे उसका गैस के कनेक्शन के ये सब पूरा हो गया, जैसे लाइट के ये भी पूरा हो गया, ये रोड थोड़ा बहुत टूटा फूटा है जो देख रहे हैं। साफ सफाई? हाँ सर, सफाई ठीक है। अच्छा, दिन में बात कर लें झाड़ू की तो कितने बार झाड़ू लगती है, कितने बार कूड़ा उठता है? सुबह सुबह झाड़ू लगता है, दोपहर में नहीं लगता, सुबह सुबह लगता है। सड़कों की जो स्थिति है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, मेन रोड है, सड़क का थोड़ा दुर्गति है सड़क। बारिशों में पानी भी भरता है क्या? इधर तो नहीं भरता, उधर भरता है मेन रोड की तरफ। जैसे भी डेंगू जो है हमारा आने वाला है, कहीं कहीं चल भी रहा है, इस बार थोड़ा प्रकोप कम है, तो क्या नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हो आप, हो रही है धुएं वगैरह का छिड़काव? धुआं धुई नहीं छोड़ रहे हैं, प्रदूषण का प्रदूषण तो है, डेंगू के तो कहेंगे जहाँ
डेंगू है, हाँ डेंगू का महामारी है। नहीं इसका सुविधा नहीं है, इसका सुविधा नहीं है। ये एक यहाँ की स्थानीय दुकान है, अभी बात कर लेते हैं क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर एक के बारे में, जो व्यवस्थाएं हैं चुस्त दुरुस्त हैं या परेशानी का सामना करना पड़ता है, सर क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर एक का? अभी गंगा माता की नगरी है, गंगा मैया की नगरी है, हरिद्वार सर्वे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 5 साल के जो वादे थे पूरे हुए कि नहीं हुए? देखिए हम तो व्यापारी हैं, अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो सफाई की है। आज भी जहाँ भी आप देखेंगे सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नगर निगम नहीं करवा पाती है, कहीं जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं रहती है, वो सुचारू रूप से नहीं है। नगर निगम से हमारी जो जो ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं सुचारू रूप से हो पाती है। पार्षद चाहते भी हैं कि हमारा काम हो, वो इससे ऊपर जहाँ भी उन जो नगर निगम में अधिकारी हैं उन तक बात पहुँचाते भी हैं, तब भी वो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। अब चुनाव हैं, चुनाव में वोट तो किसी को देंगे ही आदमी, चाहे बीजेपी से होगा कांग्रेस से होगा, लेकिन धरातल पे काम दिखना चाहिए ना। आज कोई भी आदमी, एक साधारण आदमी वोट करना चाहता है, उसकी इच्छा ये होती है कि जो उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं, उसके घर के आगे झाड़ू लग जाए, उसकी नाली में कचरा ना रहे, उसकी सीवर लाइन बंद है तो उसे खुलवा दें, यही ज़रूरतें हैं ना। कोई हम ये तो चाहते नहीं कि हमारे घर का राशन भी वो डलवाएं, जो बेसिक चीज़ है उसमें कोई भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हर आदमी हर जगह पर। पिछले 5 साल पहले था कि सीवर लाइन आएगी, वो 5 साल पूरे हो गए, अब चुनाव आ गए हैं तो अब उद्घाटन कर दिए गए हैं, पता लगे अगले 5 साल में सीवर लाइन डलेगी या नहीं डलेगी, और डलेगी उसकी ढाल होगी कि नहीं होगी, सुचारू रूप से वर्क करेगी कि नहीं, कि केवल खाना पूर्ति हो रही है, तो समय बताएगा। बाकी ऐसा मुझे लगता नहीं है, हमारे जो पार्षद हैं उनके हाथ में भी कोई पावर नहीं है। हर पार्षद चाहता है अपने वार्ड में काम करना, लेकिन नगर निगम होने से अब वो कहते हैं कि यार हमारे से ऊपर जो अधिकारी हैं, जो हमारे से ऊपर लोग हैं, हम उनको बोलते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 5 साल में जो भी वादे हुए हैं पूरे हुए हैं, अब आगे भोलेनाथ जाने, ये तो भगवान भरोसे ही चल रहा है सब। क्या क्या काम जो है यहाँ पे आप देखते हैं कि अधूरे रह गए हैं, जैसे सीवर लाइन आपने एक जिक्र करा, और क्या क्या काम ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि उनमें व्यवस्थाओं में सुधार हो? देखिए ये एक नंबर वार्ड जो है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमारे यहाँ गंगा के किनारे जो जगह है वहाँ फक्कड़ लोग, बाबा लोग, संत लोग रहते हैं। सबसे पहले उनके नहाने की व्यवस्था नहीं है, उनके शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं है। कहाँ तो देश में बात हो रही है कि शौचालय मुक्त है, अपने घरों के अंदर है, हम तो यहाँ देखते हैं सारे ओपन में ही जा रहे हैं। आज भी क्या नगर निगम यहाँ 10-20 टॉयलेट नहीं बना सकती? इतने लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, मुझे बताओ आप, यहाँ पर जो सर बिना गरीब आदमी जो है सड़क पर सो रहा है उसके लिए टॉयलेट कौन सा है? हर जगह पेड़ सुलभ शौचालय तो बन रहे हैं, फ्री बनने चाहिए। कपड़े धोने की कोई व्यवस्था नहीं है, सब गंगा में कपड़े धो रहे हैं। हरिद्वार जैसी तीर्थ नगरी में हम रह रहे हैं, यहाँ के पार्षद हैं हम, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो सड़क पे सोते हैं, घाटों पे लोग सोते हैं, इनके लिए कपड़े धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हें कपड़े धोने पड़ रहे हैं गंगा में, उन्हें आप जाके बोलो, वो कहेंगे आप नलका लगवा दो, हम धो लेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते आप, तो नहीं कर सकते वो आर्ग्यूमेंट की बात है ना, कि यहाँ पर जो भी इस वार्ड से पार्षद है या विधायक हरिद्वार का, उसको सोचना चाहिए कि यहाँ की जरूरतों के हिसाब से प्लान बने ना। हमारी जरूरत यह है कि हमारे जो लोग यहाँ पर गंगा में कपड़े धोते हैं उनके लिए एक छोटा सा 10-15 टूटी लगे, वो नहा सके, वो लैट्रिन बाथरूम जा सके। अब तुम वो 10 रुपये दे के नहीं जा सकते, वो यहाँ जहाँ सुलभ शौचालय हैं तो 10 रुपये 20 रुपये मांगते हैं, वो कैसे जाएंगे? फ्री होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है ना। ये नहीं दे पाएगा तो और क्या देगा नगर निगम? फिर वो खुले में जाते होंगे, कहीं ना कहीं एक बदबू भी होती होगी, बीमारियाँ को संक्रमण का भी। नगर निगम का मतलब क्या है कि नगर निगम चाहते कि यहाँ पर कोई बीमारी ना फैले, सुलभ शौचालय हों और वो फ्री हों। जो फक्कड़ बाबा लड़के घूम रहे हैं इतने सारे, किसी भी बाबा संत का किसी का भी पुलिस जांच नहीं है, कोई उनका पता नहीं हो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ क्राइम करके यहाँ आ गए हैं, कहाँ बिल्कुल किस जाति विशेषज्ञ के आता ही नहीं कोई चेक करना। केवल 5 साल बाद चुनाव के समय यहाँ गाड़ी घूमेगी, यहाँ चुनाव के लिए वोट मांगने आएंगे। आज नगर निगम के आएंगे, उसके कुछ दिनों बाद विधायक जी के आएंगे, फिर सांसद के आएंगे तब जब वोट होगा, उससे पहले कोई नहीं आएगा। इस बार कोई चेहरा बदलने का देख रहे हैं, कोई नया चेहरा देख रहे हैं अपने बीच का, या कोई पार्टी विशेष? देखिए ऐसा पार्टी विशेष या कोई पार्टी की बात करना इस मंच पे ठीक नहीं होगा, एक साधारण बात है, एक आम नागरिक की बात करना ठीक है। जब वो खड़े होंगे, जब टिकट मिलेगी, तब हम विचार करेंगे भाई कौन सा चेहरा ऐसा है जो काम कर सकता है, यहाँ की जनता की अपेक्षा के खरा उतर सकता है, तब विचार करेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, पार्टीवादी कोई नहीं है, ये तो चेहरा होगा सामने। छोटा इलेक्शन है, फेस टू फेस मैन टू मैन मार्किंग वाला इलेक्शन है, तो उस समय विचार किया जाएगा जब आदमी खड़ा होगा सामने वो कैसा आदमी है। जैसे कोई आपको समस्या होती है, कहीं मृत पशु पाया गया या कोई स्ट्रीट लाइट खराब है, आपको कंप्लेन करनी है, तो आप कैसे अप्रोच करते हैं अपने पार्षद को, या कोई आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, कैसे करते हैं? पार्षद जी का कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे पास, हम उनको कॉल करते हैं, जो उनके हद की चीज़ें हैं
जहाँ तक वो कर सकते हैं वो करवाते हैं। कोई पशु मर जाता है उनको फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर बदबू आ रही है, ऐसा हुआ है, तो वहाँ से नगर निगम की गाड़ी भेजते हैं और वो उठाते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कोई वर्क ही नहीं होता है। जैसे सबसे मुझे सबसे बेसिक मुद्दा लगता है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से इस समय अगर काउंट करें 50,000 आदमी 20,000 आदमी ऐसा होगा जो सड़क किनारे सो रहा है, घाटों पे सो रहा है, ये जो नया फ्लाईओवर बना है इसके नीचे सो रहा है। ये शौचालय कहाँ जाता है? मुझे एक छोटी सी बात बता दो आप, ये शौचालय जाता कहाँ है? बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं देश में प्रधानमंत्री ने मुहिम चलाई थी कि हर घर टॉयलेट हो, करोड़ों लोगों ने, डीएम ने पेपर में आया कि भाई उन्होंने कह दिया कि हर घर में टॉयलेट खत्म हो गया। मुझे दिखाओ, मुझे बुलाओ उन डीएम साहब को, मैं दिखाता हूँ कि करोड़ों लोग, लाखों लोग यहाँ जो सड़क पर सो रहे हैं इनके लिए टॉयलेट आई कहाँ? ये 10 रुपये रोज दे के नहीं जा सकते भाई, ये तो यात्रियों के लिए है। कोई आ गया वो भी नहीं, तो हर एक को आपको डस्टबिन सामने मिला तो फेंक दिया, डस्टबिन कहाँ है मुझे बताओ? एक भी सड़क किनारे फेंक रहे हैं। नगर निगम की गाड़ी आ रही है, उनके सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर कोई ध्यान ही देना नहीं चाहता है। मुद्दे नगर निगम, अब यहाँ पर एक रोड बनी है उसको दोबारा तोड़ के बनाने को सब तैयार हैं पैसा बर्बाद करने के लिए, लेकिन जो चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए कोई काम नहीं करता। एक अभी जनता के दिल की बात जनता के ही श्रीमुख से निकली कि सुलभ शौचालय जो है कहीं ना कहीं, ये हमारे जो भाई जी हैं लोकल हैं, अगर खुले में शौचालय जाते हैं कोई भी साधु संत है तीर्थयात्री है, तो कहीं ना कहीं जो हरिद्वार की आम जनता है, आमजन है, जो संक्रमण होता है, जो बीमारियाँ होती हैं वो प्रभावित होता है, उसका परिवार प्रभावित होता है उससे। तो ये एक समस्या जनता के दिल की बात हमको जनता के मुख से पता चली। अभी ऐसे ही और आपको सर्वे हम दिखाएंगे वार्ड नंबर 1 का, हरिद्वार का, बने रहिए हमारे साथ। देख सकते हैं आप कूड़े की जो स्थिति है, भारत माता मंदिर के ठीक सामने वार्ड नंबर 1 नगर निगम क्षेत्र हरिद्वार। क्या कहना चाहोगे? भारत माता मंदिर पूरा विश्व लेवल पे प्रसिद्ध है, सामने कूड़े की व्यवस्था इतनी खराब। अब क्या बताएं इसको, जो दिख रहा है वो बता दो। कूड़ा तो लगा ही है। अच्छी बात मानते हो गलत बात मानते हो? ये तो गलत बात है। साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी द न्यूज़ वार नेटवर्क ऑन ग्राउंड में एक और अध्याय जुड़ा है। वार्ड वाइज हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 1 नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र भारत माता मंदिर के सामने कूड़े की स्थिति देखिए, और हज़ारों तीर्थयात्री क्या मेमोरी लेके जाएंगे यहाँ से, क्या अपने दिमाग में छवि लेके जाएंगे भारत माता मंदिर की। खड़ा नहीं होया जा रहा है यहाँ पर, इतनी दुर्गंध आ रही है। और यहीं पर जो है हमारा गौवंश को लेके बहुत सारी बातें की जाती हैं, गौवंश यहीं पे पनिया खाता हुआ देखा जा रहा है। नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, कैसी है साफ सफाई की व्यवस्था? सर्वे कर रहे हैं हम लोग वार्ड नंबर 1 का। आप देख सकते हो भाई साहब, ये देखिए उत्तराखंड का ये कहानी है। ये मेन रोड है, आप देखिए, ये होना चाहिए मेन रोड पे। अरे एकांत में बनाइए ऐसी जगह को, कूड़ेदान को एकांत में बनाइए जहाँ कोई मतलब जो आवागमन नहीं है। यहाँ रात दिन मतलब जो यात्री चलते हैं, शांति कुंज से आते हैं, शांति कुंज को जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं। देखिए ये दुर्गंध के मतलब जो मुंह ढक ढक के लोग जाते हैं यहाँ से, बताइए ये दशा है उत्तराखंड की, जो माँ उत्तराखंड जैसे कहते हैं, माँ उत्तराखंड देव भूमि, देवताओं की भूमि है। जो यहाँ सुकून मिलता है हर एक लोग मतलब जो कहाँ के हरिद्वार जा रहे हैं वहाँ शांति मिलेगी, गंगा मैया नहाएंगे, तीर्थ स्थानों में मतलब जो हैं दर्शन करेंगे। आज ये देखिए कि यहाँ पर जो मुंह ढक कर लोग जाते हैं, ये दशा है। इसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? जिम्मेदार तो देखो जो अधिकारी लोग हैं नगर निगम से हैं भाई जी, वही मतलब जो नहीं तो देखो जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो तो देखो इन रोडों पे घूम नहीं रहे, वो आते हैं एक आध दिन के लिए आते हैं तो इसको ढक दिया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कमी अधिकारियों की है, नगर निगम की मतलब जो जितने भी हैं मतलब कर्मचारी, उनके मतलब जो अगर इतने कर्मचारी हैं
अगर एक एक अगर जो टुकड़ा अगर बीने तो ये साफ सफाई दिख जाए, मगर ये क्या है कि लोग करना नहीं चाहते। गाड़ी आती है इस पर पलटा और यहाँ की जो गंदगी यहाँ की तो अपने पड़ी रहती है। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी, हमने पीछे भी बात करी, उन्होंने कहा कि शौचालय की व्यवस्था और स्नान की व्यवस्था साधुओं के लिए बहुत कम है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो कम है ही, यहाँ कहीं शौचालय खाना है नहीं, खुले में शौच जाना पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी है ना, क्या करें, औरतें निकल रही है, मर्द निकल रहे हैं, चलो मर्द तो कहीं भी बैठ जाएगा, औरतें कहाँ जाएगी, उसके लिए शौचालय ये सब तो होना ही चाहिए, ये गंदगी निकलना चाहिए। यानी प्रशासन के पास पूरा सामान है, कर्मचारी है, सब कुछ है ना, सब कुछ होते हुए भी ये हाल है, तो फिर अब क्या कर रहे हैं इसके लिए, किसके जैसे यहाँ पे गंदगी पड़ी है या यहाँ पे देखा जाए, मतलब ये हमेशा ऐसी पड़ी रहती है गंदगी यहाँ पे? हाँ, ये हमेशा ये ऐसी रहती है, ये हम जब से आए हैं यहाँ पर, यहाँ से मतलब जो यही गंदगी देख रहे हैं। सर, शिकायत नहीं की जाती? जो आपके प्रतिनिधि है, पार्षद हैं, क्या संज्ञान दिया जाता है उनको? अब ये बताइए, अकेला मैं आदमी आकर जा करके अगर मैं जाऊँगा कहीं भी किसी भी मतलब जो नेता पे, तो मुझे कहेंगे यार तुझे ही गंदगी आ रही है वहाँ पर, और लोग नहीं निकल रहे, तो बताइए क्या? प्रतिनिधि भी तो सर एक वोट से जीतता है, एक वोट कम होगा तो प्रतिनिधि थोड़ी बन जाएगा। ये नहीं समझते, वो ये चाहते हैं कि सभी मतलब पूरे शहरी मतलब लोग मेरे पास आए हैं और तब मैं मतलब सुनवाई करूं जब ये आगे को पहुंचाऊं। वार्ड नंबर एक में काम धाम जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, साफ़ सफाई भी, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी, बाकी सीवर भी डलने वाला है, जितने काम है सब एकदम ठीक ठाक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम यहाँ गलत है। सड़कों की भी स्थिति ठीक ही है, अभी तक जितनी स्थिति है जो भी है सब एकदम ओके है, और जब भी होता है कोई काम होता है तो काम करते हैं लोग इसमें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, शौचालय वगैरह कोई कमी नहीं है, ऐसा सारे काम वगैरह सब एकदम सही हो रहे हैं। नहीं, यहाँ नहीं है, इधर तो इस एरिया में कोई है भी नहीं। अगर आपके उधर घाट पे हैं उधर का हो तो नहीं बता सकते, पर इसी एरिया में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। पार्षद में विद्या शर्मा जी हैं, विद्या शर्मा जी कर रहे हैं सारा काम, हमारे लोग के रेख देख में जो भी कर रहे हैं विद्या शर्मा कर रहे हैं। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं, अभी जब से वे उनकी मम्मी हैं, लेकिन रेख देख विद्या शर्मा करते हैं, सब कुछ विद्या शर्मा कर रहे हैं। वार्ड नंबर एक का भ्रमण करते हुए अभी हम पहुंच गए हैं। वार्ड नंबर एक में हमें एक नगर निगम द्वारा बनाया हुआ एक पार्क दिख रहा है, अभी देख लेते हैं क्या स्थिति है। कुछ बच्चे हमको, कुछ युवा यहां पे खेलते हुए दिख रहे हैं, पढ़ने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे जो ये वार्ड नंबर एक का जो सरकारी पार्क है कैसी स्थिति है इसकी, और जो यहाँ के वार्ड नंबर एक के आमजन हैं वो इसका कितना लाभ उठाते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ बच्चे हमको यहाँ पे खेलते हुए दिख रहे हैं। नगर निगम हरिद्वार, ये धुंधला सा हो चुका है, कुछ पढ़ने में ज़्यादा आ नहीं रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का नाम नहीं पढ़ा जा रहा, कार्य की लागत लगभग कुछ लाख में है वो भी समझ नहीं आ रही। 9/5/2018 को कार्य प्रारंभ की तिथि यहाँ पे हुई थी और पूर्ण होने की तिथि 2019 में है। एक बार पार्क की स्थिति दिखा देते हैं आपको अंदर से भी कि पार्क में क्या सुविधाएं हैं और क्या यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कैमरा के पीछे जो मेरा कैमरा पर्सन है दिखा दे, यहाँ पे जो एंट्री है वो ही अपने आप में एक संभावित है कि ये पार्क दिखा दे। एक बार यहाँ पे झाड़ियाँ हो रखी हैं बहुत ज़्यादा, गंदगी भी है, और पार्क अपने आप में यह है कि ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, खेलने की जगह है, क्योंकि आजकल का समय इतना वैसा हो चुका है कि बच्चे घर से बाहर निकलने नहीं चाहते, खेल रहे हैं बच्चे, लेकिन पार्क की जो स्थिति है देख सकते हैं, बड़ी बड़ी ये सब जो है सरकारी खर्चे से, सरकारी लागत से लगाया गया है। 2018 में इसका
जो कार्य है शुरुआत हुई थी 2019 में, तो अभी यहाँ पे आप खुद डिसाइड करें। आप देख सकते हैं साक्ष्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। ये यहाँ पे झूले लगाए गए हैं, ये यहाँ पे झूले लगाए गए हैं पब्लिक के पैसों से लगाए गए हैं। लेकिन आप झाड़ी भी देख सकते हैं, अगर इस वाली झाड़ी की बात कर लें तो ये झाड़ी भी 3 फीट से ऊपर जा रही है, और वहाँ बात कर लें तो पूरे में जो झाड़ियाँ हैं ऐसा देख के लग रहा है कि कोई ख़ास संज्ञान या कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्क है और सुंदर भी है, लेकिन इसकी जो सुंदरता है ध्यान ना देने के चलते थोड़ी सी कम दिख रही है, कम आंकी जा रही है, क्योंकि जो एक व्यवस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में बोलती हैं अव्यवस्थाओं को, क्योंकि देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं छोटे बच्चे भी खेलते हैं वहाँ पे, छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो जो है जहरीले बिच्छू या जहरीले सांप का भी खतरा बना रहता है। देख रहा हूँ कि आप उधर ही खेल रहे हैं, इधर नहीं खेल रहे, क्या वजह है? यहाँ पे हमारे साथ एक दुर्घटना घटी थी, हम लोग वहाँ से सीढ़ियों में जा रहे थे और यहाँ पे सांप का भी खतरा रहता है, वहीं के सामने से, हमारे जस्ट सामने से सीढ़ियों का पहला कदम रखते ही एक सांप निकला था। तब से हम लोग इस दरवाजे से आते ही नहीं है, उधर से आते हैं हम लोग, इसलिए हम इधर ज़्यादा नहीं आते। कब की बात है, कब निकला था सांप? लगभग 6-7 महीने पहले। से इधर आना ही बंद कर दिया, इधर नहीं आते, उधर से, उधर गेट से उधर में खेलते हैं, यहाँ पे आते ही नहीं बिल्कुल। आप अगर क्या कहना चाहोगे, फिर से चुनाव आने वाले, इलेक्शन आने वाले हैं, कि अगर यहाँ की भी साफ सफाई हो जाएगी तो आप लोगों को भी ज़्यादा स्पेस मिलेगा? यहाँ की साफ सफाई हो जाएगी तो यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों, छोटे बच्चों को भी स्पेस मिलेगा, यहाँ पे झूले वगैरह हैं, छोटे बच्चे भी खेल पाएंगे। छोटे बच्चे भी वहाँ पे खेल रहे हैं, वो ये वहाँ पे हम बॉल लग जाती है, उनकी दिक्कत हो जाती है, फिर यहाँ पे अगर झाड़ जंगल साफ हो जाएगा तो वो लोग भी यहाँ पे आके खेल सकेंगे। जैसे आपने बताया कि बड़े लोग भी आते हैं, 20-25-30 साल के और बड़े लोग भी आते हैं, तो यहाँ की साफ सफाई के लिए क्या मतलब कुछ बोलते नहीं किसी को? वो नहीं, वो बस वहीं का अपना वहाँ पे हो जाती है थोड़ी बहुत साफ सफाई, फिर भी वो देखिए चल भी रही है, थोड़ा ड्रेन वेन साफ कर रहे हैं, वहाँ पे पानी जम जाता है वैसे, पर यहाँ का तो कुछ भी नहीं है। यहाँ की साफ सफाई हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा वो तो है ही, हमारा अगर शहर डेवलप करेगा किसको बुरा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 1 में हम सरकारी जो है पार्क है, नगर निगम के द्वारा जो है प्रायोजित ये पार्क है, यहाँ पर खड़े हैं। आप इस जो हमारे वार्ड नंबर 1 का जो भ्रमण था, जो हमारा सर्वे था, जनता के दिल की बात करी हमने, युवाओं से भी बात करी, मिली जुली प्रतिक्रिया है, कहीं कहीं हमने समस्याएं खुद देखी, कूड़ा निस्तारण की समस्या है। अभी वार्ड नंबर वाइज जो है वार्ड के हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से द न्यूज़ वार नेटवर्क का सर्वे ऑन हो चुका है, शुरू हो चुका है। अभी हम बहुत जल्दी आपको वार्ड नंबर 2 भी दिखाएंगे, 3 भी दिखाएंगे, 4 भी दिखाएंगे और 5 भी दिखाएंगे। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और देखते रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।